हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मौली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो है कन्वर्ट योर लायबिलिटी इनटू एसेट। हम अपनी लायबिलिटी को एसेट में कैसे बदल सकते हैं, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि लायबिलिटी होती क्या है और एसेट क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब ये है जो हमारी जेब से पैसे निकालता है। जैसे कोई चीज़ हमने कोई कार बैंक से लोन पर ले ली, हर महीने हमें उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, किस्त भी उतारनी पड़ेगी। कोई और ऐसी चीज़ पर हमने खर्चा कर लिया जिससे हमें आमदन नहीं है लेकिन उसके खर्चे हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी कैटेगरी में आएगी। और एसेट कैटेगरी में क्या आएगा, जिससे हमें आमदन हो, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे आपने कुछ और कोई चीज़ आपने लेके किराए पे दे दी हो, वो चीज़ जो है आपका एसेट तब्दील हो जाएगा। ये मैंने क्यों वीडियो का मन में आया, ये मैंने ये पिछले दिनों में एक रमेश बाबू जो है बार बार उनकी एक वीडियो मैंने डाली थी। ये बार बार हैं और रहते कहाँ हैं, बेंगलोर में। तो इन्होंने अपना इतना बड़ा कारोबार कर लिया है, अपनी लायबिलिटी थी जो इनकी फर्स्ट ओमनी कार ली थी, जो इन्होंने किराए मतलब अपने लिए ली थी, लेकिन उसकी किस्तें नहीं भर पाए और किस्तें नहीं भरने के बाद इनको वो जो गाड़ी है किराए पे देनी पड़ी। और किराए पर देने के बाद वो उसने आज उसके पास 400 गाड़ियां हैं, मतलब कोई दुनिया का ऐसा ब्रांड नहीं है जो उसके पास नहीं है। उसने अपनी लायबिलिटी को एसेट में तब्दील कर लिया। तो दोस्तों, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी यदि कोई मन बन रहा है कि मैं कोई बहुत मतलब ऊपरले सेगमेंट की गाड़ी लेनी है और उसको मैं डेफिनेटली किराए पे दूँ। मोटिवेशन स्पीकर हर्षवर्धन जैन ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि मैं अपनी जो कार है, मेरी मर्सिडीज कार है, वो मैं जितने दिन मैंने चलानी होती है तो मैं चलाता हूँ, और जब मेरी कार फ्री होती है तो मैं दूसरी कार से गुजारा करता हूँ, और वो जो किराए जो मेरी मर्सिडीज गाड़ी है उसको मैं किराए पे बेच देता हूँ। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम, आपका मर्सिडीज का शौक भी पूरा हो गया और आपका जो लायबिलिटी है वो भी आपका एसेट में तब्दील हो गया। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें सोचने की जरूरत है दोस्तों, इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। मेरे को मैं 1995 में जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो मेरे पास लोग किराए के लिए आते थे कि यार आप किराए पे दे दो, उन दिनों में गाड़ी कम होती थी, तो मैं कहता नहीं किराए पे नहीं देनी, वैसे कोई ले जाओ। तो मैं कहता इसमें मेरे को लगता था कि यार हम किराए पे देना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब या हमारे स्टेटस की बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, हमने इस बात से बाहर निकल जाना है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लोगों की टेंशन लेनी छोड़ो। यदि आपका शौक है कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा कोई काम करना है, यदि आप उससे कोई पैसे कमा सकते हो तो डेफिनेटली आपने कमाने हैं, ताकि आपकी जो लायबिलिटी हो एसेट में तब्दील हो जाए। मैंने कैमरा लिया है, कैमरा लेके मेरा जो काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन यदि जब कैमरा फ्री होता है तो हम किराए पर भी देते हैं उसको। मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, जिस तरह उसके ऊपर पैसा लगा उतना पैसा निकल जाता है बार बार, कोई परेशानी नहीं है। काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपनी सोच बदलनी है। यदि मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ इस वीडियो में, यदि मैं बड़ी गाड़ी लूँगा तो डेफिनेटली वो किराए के लिए भी तैयार रखूँगा उसको। सो आपने भी इस तरीके से अपनी सोच बदल लेनी है। आप सोचने की दिशा बदल के देखो, आपकी दशा ऑटोमेटिक बदलने वाली है। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। वीडियो लाइक शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दे देना। थैंक यू वेरी मच।